मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के करौली में एक महिला रेशमा ने सोमवार को एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया है। महिला शादी के 7 साल बाद पहली बार माँ बनी है। महिला का पति केरला में मार्बल फिटिंग का काम करता है। 5 बच्चों का वजन 300 से लेकर 650 ग्राम तक बताया जा रहा है। नवजात बच्चे बेहद कमजोर होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेशमा के जेठ गबरू ने बताया कि उनका छोटा भाई अस्कली केरला में मार्बल फिटिंग का काम करता है। अस्कली की करीब 7 साल पहले रेशमा से शादी हुई थी, लेकिन शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने कई जगह अपना उपचार भी करवाया, लेकिन अब ऊपर वाले ने उनकी सुनी है और एक साथ 5 बच्चों से झोली भर दी है। दूसरी बड़ी खबर भी आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि राजस्थान पुलिस पर बकरा बेचने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान पुलिस ने चोरी का बकरा 2000 रुपए में किसी को बेच दिया और यह आरोप खुद कांग्रेस के विधायक ने लगाया। जयपुर के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी सोमवार को यह शिकायत लेकर खुद राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में मंत्रियों की जन सुनवाई में उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए खेल मंत्री अशोक चांदना को बाकायदा सबूत के पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिए हैं और इस दौरान जयपुर के कोट खावदा पुलिस पर कार्रवाई की भी मांग की है। विधायक सोलंकी और ग्रामीणों ने जन सुनवाई में ज्ञापन देकर कहा है कि 22 जुलाई को कोट खावदा थाने में बकरा बकरी चोरी का केस दर्ज करवाया गया था। बकरी तो मिल गई, लेकिन बकरा पुलिस वालों ने मिली भगत करके एक व्यक्ति को बेच दिया। इसके पूरे सबूत है। जिस व्यक्ति के पास बकरा मिला है उसने साफ कहा है कि बकरा उसे पुलिस वालों ने 2000 रुपए में बेच दिया। सोलंकी ने कहा है कि क्या पुलिस इतनी गई है कि बकरा बेचने लगी। एक और बड़ी खबर और बेहद ही बुरी अपडेट, क्योंकि कोरोना के बाद एक और नई बीमारी ने जन्म ले लिया। बड़ी अपडेट ये है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद राजस्थान में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है और चिकित्सा विभाग की ओर से CHC PHC से लेकर जिला अस्पताल और सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश जारी किया। नई बीमारी को लेकर अलर्ट जारी होने के बाद अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है। इस तरह के मरीजों को इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, ताकि ऐसे मरीजों को अन्य मरीजों से अलग रखा जा सके। चिंता की बात यह है, विश्व के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यह बीमारी भी कोरोना की तरह से ह्यूमन टू ह्यूमन आसानी से फैल सकती है। एक और बड़ी खबर और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, अब कर्मियों को साल में 2 बार पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। विभागीय पदोन्नति समिति की साल में 2 बार बैठक हो सकेगी। CM अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि इनके पास 2 बार पदोन्नति के अवसर होंगे। राजस्थान के मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। सोमवार सुबह 8 बजे से शाम तक भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई और कोटा संभाग में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है। बारिश के मौसम में पहली बार एक साथ कोटा बैराज के 11 गेट खोलने पड़े। पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी कि 26 जुलाई को अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, पाली, जोधपुर, नागौर समेत कई जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। एक और बड़ी खबर और रीट एग्जाम 2022 को लेकर सबसे बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर एक बार फिर पेपर वायरल होने से सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही रीट परीक्षा का पेपर वायरल हुआ तो कैंडिडेट्स ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कैंडिडेट्स का कहना है कि इसकी जांच की जाए, वायरल प्रश्न पत्र और परीक्षा में आए पेपर के सवाल हूबहू है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 5 करोड़ पौधे बांटने का फैसला लिया है। इनमें से 3 करोड़ पौधे आम जनता के मांग के अनुसार उपलब्ध करवाए जाएंगे। 10,000 ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ पौधे और 200 शहरी इलाकों को भी 1 करोड़ पौधे दिए जाएंगे। प्रदेश के लोगों को जन आधार कार्ड के आधार पर ही सरकार की ओर से तय रेट पर पौधे मिलेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार अलग अलग पेड़ के पौधे की वेराइटी के आधार पर बहुत कम रेट रखी जाएगी। अलग अलग
पौधे की किस्म जैसे फलदार, फूलदार, छायादार इस प्रकार के पौधे होंगे और उदाहरण के तौर पर 5, 10, 15, 20 रुपए प्रति पौधा रेट रखी जा सकती है। यही थी परदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।